ओके, तो हम लोग अब आज क्या क्या काम करेंगे, पहले घर पे जो बैठे हैं वो सुन लें। सबसे पहले तो होमवर्क डिस्कशन, फिर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जाने के कंसेप्ट पे। जब ये दोनों पे बात हो जाएगी तो फिर देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन सी चीजें लेनी है, कौन सी चीजें नहीं लेनी है, किन क्या पॉइंट्स टू रिमेंबर है। और पहले से बता दे रहा हूं कि कल का वीडियो कोई भी मत छोड़ना, क्योंकि कल हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे क्वेश्चन स्टार्ट, आई एम सॉरी, फुल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज आप बिल्कुल भी वीडियो नहीं छोड़ेंगे। कल है दिन थर्सडे और फ्राइडे, दोनों दिन हम लोग फुल क्वेश्चन करेंगे। और तुम्हारे लिए बैड न्यूज है कि इस सैटरडे इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग तीनों के ऊपर तुम्हारा टेस्ट होगा, तैयार रहना। नेक्स्ट वीक कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स कंप्लीट होगा और पार्टनरशिप रिटायरमेंट का रिवीजन शुरू होगा। चिट गई है ना, चिट कितनी गई है? करा देंगे, कब है? पहले पहले डिबेंचर रिवाइज कराना है कि रिटायरमेंट? इस पे बाद में वोटिंग कर लेंगे 10 मार्च को। बिल्कुल शांत, काम शुरू। बात बंद, काम शुरू, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन एकदम शानदार दिख रहा है, जल्दी जल्दी बताएंगे मुझे क्या करना है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज दिया हुआ है, वाओ, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एड लेस ऑलरेडी डन। इसमें सिर्फ करंट असेट और करंट लाइबिलिटी देखनी है। एक बार मेरे साथ चलेंगे सब, करंट असेट बढ़ेगा तो yes. तो सोच के क्यों बोलते हो, तो जोश में जल्दी आना चाहिए। करंट असेट बढ़ेगा तो yes. करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी तो yes. करंट असेट कम होगा तो yes. करंट लाइबिलिटी कम होगी तो yes. करंट लाइबिलिटी कम होगी तो yes. करंट असेट कम होगा तो yes. करंट असेट बढ़ेगा तो yes. करंट असेट बढ़ेगा तो yes. बढ़ेगा तो yes. लेस होगा तो yes. ठीक जा रहा है। चलो डेटा जल्द, पहले 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 डेट ऐसे देखनी है, जल्दी बताओ करंट असेट डेटर प्लस या माइनस? प्लस। करंट डेटर्स कम हो रहे हैं, अगर कम होगा तो क्या करोगे? बिल रिसीवेबल क्या हो रहा है? लेस। अरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिटर बढ़ रहा है, क्या करोगे? बिल्स पेबल कम हो रहा है, क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ रहा है, क्या करोगे? प्रीपेड एक्सपेंस कम हो रहा है, क्या करोगे? अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी है। आंसर आ गया सबका? बिकॉज वी आर कॉपी देखते चलेंगे प्लीज। सेकेंड क्वेश्चन, आपके बताने का टाइम। सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। क्वेश्चन मिला, शुरू करेंगे। गुडविल, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, गेन ऑन सेल, कह दो नहीं आ रहा है। जब इसको एडजस्ट करोगे तो क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर,
क्या सच में सब सबने किया है? सच बोल रहे हो ये? पक्का लगाया है? एक बार ईमानदारी से अपने आप से वादा कर लो कि सच सच बोलोगे और लगाओगे। आ गया ना ऑपरेटिंग? इजी है ना? चलो, ट्रेड रिसीवेबल पहले बताओ क्या होता है। करंट असेट, प्रीपेड करंट असेट, ट्रेड पेबल, एक्सपेंस पेबल। करंट असेट उल्टा देखना है, बढ़ रहा है माइनस, ये बढ़ रहा है। करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, करंट लायबिलिटी घट रही है। काम खत्म। बोलो आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? वादा करो। सबने कर लिया? किसी को कुछ पूछना है? मुझे बोर्ड पे करके दिखाना है या आ गया है? पक्का? अब आओ पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। द नेट इनकम ऑफ ब्लू स्काई लिमिटेड फॉर द ईयर 31st of March 2018 वॉज इतना, इतना दिया हुआ है। बताना शुरू करो। डेप्रिसिएशन क्या होगा? इनकम फॉर देयर वॉज अराइव्ड आफ्टर एडजस्टिंग द गेन ऑन सेल। तो ये क्या करोगे? ये प्लस होगा और ये लॉस ऑन सेल क्या होगा? राइटिंग ऑफ ऑफ कॉस्ट ऑफ इशू। बोल दो नहीं पढ़ाया। लगाए कि नहीं लगाए? साथ में चलो, रोज चलो, थोड़ा थोड़ा लगाओ लेकिन रोज लगाओ। मैं वादा करता हूं कुछ बार नहीं जाएगा। और याद रखना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टेस्ट पेपर जैसा आया था, इस सैटरडे का टेस्ट पेपर उससे कहीं ज्यादा कठिन होने वाला है। वैसे ही होगा कि एक लगा लो चैप्टर दूर दूर तक खत्म, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे एससीओ चाहे सीबीएसई। और वो पेपर रखे हो ना इन्वेस्टिंग वाला? हाँ। चलो, इन्वेंट्री क्या होता है? करेंट असेट, रिसीवेबल, प्रीपेड, कैश इन हैंड। चुप रहो। कैश इन हैंड इज कैश एंड कैश, कैश एंड कैश। करंट असेट विल नॉट इंक्लूड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और बोलो बैंक ओवर ड्राफ्ट एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स। नहीं, विल नॉट इंक्लूड मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी लिखाऊंगा, अभी लिखाऊंगा, अभी लिखाऊंगा, परेशान मत हो, अभी ये नहीं जाएगा। पेबल्स, करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? कौन सी एक्टिविटी है? कोई दिक्कत? करंट असेट बढ़ेगा? ध्यान से देखो, ऐसे देखना है। करंट असेट बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। लेस होगा कि ऐड होगा? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है तो लेस होगा ना? अच्छा ठीक है। रिसीवेबल बढ़ रहा है? प्रीपेड एक्सपेंस घट रहा है? पेबल 90 से 17, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, बाकी से मतलब नहीं। आंसर आ जाएगा कि नहीं? विकास भैया होमवर्क हुआ है? उसके किसने नहीं किया है? सर क्यों नहीं किया आप लोग ने होमवर्क? क्यों नहीं किया बताइए रीजन? पीछे हो जाएंगे यार, पीछे हो जाएंगे, मजा नहीं आएगा। पूरी क्लास कर रही है, आप पीछे रह जाएंगे, फिर फायदा क्या होगा? फिर कहेंगे आया नहीं, फिर पढ़ा दीजिए। बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बैंक ओवरड्राफ्ट इज योर, बुक लॉ, बुक लॉ।
बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी योर, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे जरा सा भी, ये हो गया, बोलो डन। और कोई शीट गई थी इसके अलावा? शीट नंबर सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गया है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिवाइज करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन, यानी कि इसमें ये चीजें क्या हो चुकी है, लेस हो चुकी है, लेस हो चुकी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर से करेंगे। लेट्स स्टार्ट, डेप्रिसिएशन क्या होगा, लॉस ऑन सेल क्या होगा, गुडविल क्या होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होगा, एड, जनरल रिजर्व क्या होगा, एड। लेकिन 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 सुनो, लेकिन सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी आवाज सुनो, ये दोनों जोड़ोगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर, यानी कि ये जो प्रॉफिट दिया है, यानी कि ये जो ऊपर 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया है, ये 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट क्या है, सारे बोलो क्या है, चिल्ला के बोलो, सिंगार चिल्ला के बोलो, प्रॉफिट आफ्टर, उसमें ये दोनों ऐड होगा तो हमें क्या मिलेगा, फिर शुरू होंगी ये सारी चीजें और हमको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा कि नहीं, गेन बताओ क्या होगा, गेन बताओ क्या होगा, क्लियर, क्लियर, आओ इधर, ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट बोलो, हाँ, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी, इन्वेंट्री करंट असेट, इनकम इन एडवांस करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटी, प्रीपेड करंट असेट बोलो, हाँ, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं आया, करंट असेट पहले देखो, ऐसे देखना है, बढ़ रहा है, माइनस, ट्रेड पेबल बढ़ रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रहा है, घट रहा है, इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस घट रहा है, आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी घट रहा है, प्रीपेड बढ़ रहा है, आंसर क्या मिलेगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन लेस इनकम टैक्स पेड, जो कि क्वेश्चन में है, सर कहां है, ये जो प्रोविजन है इसको ही टैक्स पेड लेंगे, सर ये कहां पढ़ाया आपने, ये आज पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे, इसी के बाद आज का लेक्चर इसी पे है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, ध्यान रखियो आज, और तुम्हें मिल जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन लेस टैक्स पेड विल गिव यू कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग, क्या ये क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन ये हो चुका है, मुझे करना है या हो चुका है, हो गया है, तुम बताओ भाई, पीछे पीछे, हाँ लगाया तुमने, क्यों बाबू हम क्या बताएं, अला बड़ी दिक्कत है,
ये जब से कोरोना में हमने आंखें पढ़ना शुरू किया है तब से बहुत कुछ क्लियर होने लगा है। विकास भैया जैसे ही मैं ऐसे किसी आदमी को पकड़ लेता हूं तुरंत कई लोग नीचे देखना शुरू कर देते हैं कि रहन दो पगलाया, पढ़ ले बाबू, पढ़ ले बच्चा, प्लीज मेरा बच्चा, हाथ जोड़ना है तुमसे, पढ़ लो, एक सेमेस्टर निकल गया है, ये इंपॉर्टेंट है, उसका आधा इसका पूरा है, समझे, पूरा जोड़ा जाएगा, समझ लो, संभाल लो, प्लीज बचा लो इज्जत, हे दुशासन मत बनाओ मुझे द्रौपदी। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ, सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना, सुनो ना, ये बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो मैंने बोला था तुम्हें क्लोजिंग से क्या माइनस करना है। ओह माइटी लॉर्ड, मैं ये क्या देख रहा हूं, मुझे तो नेट लॉस दिखाई पड़ रहा है, माइनस, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में रखना, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, कुछ रिवर्स रिवर्स करने की जरूरत नहीं। लेट्स स्टार्ट। चलो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सुनते चलो। डेप्रिसिएशन बढ़ गया है, क्या करोगे? +20। आउटस्टैंडिंग वेजेस इज करंट लायबिलिटी, बात खत्म। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रीपेड इंश्योरेंस इज करंट असेट, बात खत्म, अभी कोई लेना देना। ए बेटा तुम्हारा ध्यान कहीं और था, क्या सोच रहे हो बच्चा, बताने लायक बात नहीं। संभल के बैठो, गुडविल इधर देखो, गुडविल बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है तो इसको गुडविल एमोर्टाइज्ड बोलेंगे, तुरंत एडजस्ट करेंगे, कितना? +8,000। बोलो हाँ, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या ना मिक्सअप है, करंट असेट करंट लायबिलिटी भी और वो आइटम भी जो डायरेक्ट करने हैं। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत खोटा क्वेश्चन है। प्रोविजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो इंक्रीज, इंक्रीज करोगे तो नहीं आया। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट, कैश एंड बैंक बैलेंस, नो, क्लियर और नॉट? पहले एडलेस करोगे तो तुम्हें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, फिर करंट असेट करंट लायबिलिटी करोगे मिल जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, टैक्स पेड क्वेश्चन में था नहीं तो ये हो जाएगा कैश फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग। क्या मैं फिर से बोलूं या आ गया? सबको नेक्स्ट आओ भाई, बहुत इजी है, तो बहुत इजी है। द कंपनी इनकर्ड अ लॉस तो माइनस हो जाएगा। प्रोविजन इधर से इधर देखो, डिक्रीज हो रहा है, माइनस। शॉर्ट टर्म लोन क्या मानेंगे? शॉर्ट टर्म लोन जाएगा या नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन एंड बोरोइंग्स हम लोग ले लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, तो ये कहां चला जाएगा? यहां से कोई लेना देना, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी बिल्स पेबल करंट, कर लोगे या नहीं, हो जाएगा या नहीं, हो गया है या नहीं, हो गया पूरा, पक्का पक्का? अब सुनो विकास भैया, यहीं पे है या कहीं और है? हाँ
यहाँ पे रखा है, कहाँ रखा है? पहले पढ़ा ले, चलिए शांत। हेडिंग बनाए प्रोविजन फॉर टैक्स, हेडिंग बनाए प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है? बात समझ, तुम्हारे पास 2022 और 2021 दिया हुआ है, आराम से नोट करें। यहां पे दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, पचास हजार, पिछला था 40,000, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है? बढ़िया। अब आप नोट करें, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखिए। केस वन, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, केस टू, प्रोविजन मेड during the year is 70,000. Case 3, tax paid. $70,000। देखो बेटा, एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आए, जबकि क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया रहेगा और उससे रिलेटेड इनमें से कोई एक एडजस्टमेंट दियो, ठीक है? ठीक है बेटा। और एक आएगा, मैं यहां टाइप बना देता हूं, दिस इज टाइप वन, मैं इसको टाइप बना देता हूं, ज्यादा बेहतर होगा, विल कॉल इट टाइप वन। टाइप वन का मतलब नोट्स टू अकाउंट में, क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में प्रोविजन दिया होगा और साथ में ऐसी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी। आपने देखा, आप समझ गए कि आपको अकाउंट बनाना है। अब मैं सोल्यूशन बनाऊंगा बारी बारी केसेस के लिए, ध्यान से। तो लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्यूशंस, बिल्कुल बढ़िया से कॉपी पेन लेकर के बैठे और नोट करें। सॉल्यूशन, एक
सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन नंबर वन केस वन, ठीक है। एस सही है, आप सबको दिख रहा है, एज देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, एज देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, एज देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, previous year's amount will be treated as tax paid, and current year's amount will be treated as provision made during the, सर कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं वो सुनो, यानी कि नोट करें, कहना क्या चाहते हैं सर, बड़ी बात कहना चाहते हैं सर, कहना चाहते हैं कि आप निकालते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बोलिए मानते हैं, इसमें आप ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, बोलो, और ये प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा होगा, वेरी गुड, करेंट ईयर, और इसको ऐड करने के बाद आपको मिलेगा प्रॉफिट, बोलोगे तुम लोग कुछ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको ऐड करने के बाद मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को तुम यूज करोगे, तुम यूज करोगे इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, बोलो हाँ, करोगे कि नहीं करोगे, कहां यूज करोगे, तुम निकालोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इसमें करोगे ऐड, फिर इसमें करोगे लेस, तो तुम्हें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, पूरा लिख के दे रहा हूं, फिर इसमें करोगे ऐड और इसमें करोगे लेस, तो तुम्हें क्या मिलेगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, क्या ही मेरी ये बातें मेरे सारे बच्चों को एकदम क्लियर है, और फिर यही तुम्हें याद रखना है, हरा रंग डाला लेस करोगे टैक्स पेड, और ये टैक्स पेड कौन सा होगा, यही लिखाया है, अगर केस वन आता है और केस वन में कोई एडिशन इंफॉर्मेशन नहीं है, एज देयर इज नो एडिशन इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, सो प्रीवियस ईयर अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट एंड करंट ईयर अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज प्रोविजन मेड, क्या ये बात समझ आ गई, क्या ये बात समझ आ गई है, सारे लोग बोलेंगे क्या ये बात समझ आ गई है, ये आपके पूरे के पूरे, उसको थोड़ा और बड़ा कर दूं क्या, प्लीज बोलिए क्लियर है, ये पूरा बना के दे दिया, कौन सा अमाउंट कहां जाएगा याद रखना, केस वन क्लियर हुआ या नहीं, केस वन क्लियर हुआ या नहीं, यह टाइप वन क्वेश्चन है, जबकि बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है,
अभी एक ऐसा पॉइंट आएगा जो मैंने हमेशा गलत किया है अपने समय, अभी नहीं थोड़ी देर बाद चलू सॉल्यूशन केस टू पे चलू। अब हो गया कॉपी, इट्स टाइम टू स्टार्ट विथ केस टू। चलो नोट करें केस टू, क्वेश्चन में प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा था 70,000। प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर 70,000 इज गिवन इन द क्वेश्चन। ऐसी सिचुएशन में मेरे बच्चे ध्यान से सुन लो, मेरे बच्चे ध्यान से सुन लो, ऐसी सिचुएशन में आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अकाउंट, बिना डरे आपको बनाना पड़ेगा अकाउंट और आपको लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स। यहां पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में लिखिए ओपनिंग, इधर आएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, प्लीज ब्रैकेट में लिखिए क्लोजिंग। आप यहां पे लिखेंगे बाय प्रोविजन मेड और आप यहां लिखेंगे टू बैंक, प्लीज ब्रैकेट में लिखिए टैक्स पे। और मेरी बात सुनिए, अगर क्वेश्चन में मेरी बात सुनिए, अगर क्वेश्चन में ये दिया है, ये दिया है, ये तो दिया ही रहेगा, अगर ये दिया है तो ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन में ये दिया है तो क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट। सर नहीं समझे, कोई बात नहीं बेटा, फिर समझा रहा हूं। सर एकदम नहीं समझे, वेरी गुड बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दुखी मत हो, बस तुम ये अकाउंट समझ गए, इतना बनाना आ गया, आगे मैं बताऊंगा। अब चलो ऊपर चल के देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में प्रोविजन कितना दिया हुआ है। चलिए बताइए कितना दिया हुआ है, 50 एंड 40 बेटा 40,000 में यहां लिखूंगा बोलो हाँ, 50,000 में यहां लिखूंगा बोलो हाँ, कोई दिक्कत, प्लीज बोलो कोई दिक्कत। 40 यहां लिखूंगा, 50 वहां लिखूंगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्रोविजन मेड, बताओ तुम किधर लिखूंगा, यहां लिखूंगा या यहां लिखूंगा, कहां लिखूं? अरे कहां चला गया, ये भी कोई विकास का सेंसर लग गया है क्या? जब रहा मुझे लग रहा है ये भी सेंसर है, डबल टैप टैप किया तो गायब हो गया। उम्मीद है आना वहीं से चाहिए।
छन्न से टूटा कोई सपना। तुम लोग के पास क्वेश्चन है ना? चलो, प्रोविजन फॉर टैक्स। पहली बार ऐसा हुआ है। सबसे पहले क्या आएगा? बाय बैलेंस, बताइए अमाउंट कितना था, आई होप ये याद है। फिर हम लोग यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरी ऑन, बताओ कितना। क्या ये बात क्लियर है? यहां पे आएगा प्रोविजन मेड, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। फिलहाल याद है, केस टू चल रहा है। और यहां पे आ जाएगा टू बैंक, और ब्रैकेट में जरूर से लिखिएगा टैक्स पेड। बैलेंसिंग फिगर डिपेंड करेगा, कितना आएगा ये 60,000। तो अब मुझे आप सोच के देख के इत्मीनान से बताइए मुझे, ये जो प्रोविजन मेड है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में चला जाएगा या नहीं? और जो ये टैक्स पेड निकाला है ये कहां चला जाएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या मेरी ये बात आप सबको समझ आ गई है? क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई है? ये बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बोलो। बोलो, क्या ये बात सबको आ गई है या नहीं आ गई है? नहीं कर पाएंगे, पक्का बताओ, वादा करो, हो जाएगा। अब केस थ्री, आप बताइए केस थ्री क्या था। लिखूंगा पहले केस थ्री। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टैक्स पेड। अब इस सिचुएशन में भी मुझे पहले क्या बनाना पड़ेगा, बताओ जल्दी से, मुझे पहले क्या बताना पड़ेगा? अकाउंट बनाएंगे। याद रखिए, जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहे तो पहले आपको क्या बनाना होता है? अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट में बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स, यहां पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। बताओ प्रोविजन बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 40। क्लोजिंग कितना है? क्वेश्चन में पहले से क्या दिया हुआ है? मैं यहां लिख दूंगा टू बैंक टैक्स पेड कितना। क्या आप बता सकते हैं बैलेंसिंग फिगर किधर जाएगी? क्रेडिट में। तो यहां क्या लिखेंगे? बाय प्रोविजन मेड कितना, और ये 80,000 बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा या नहीं? प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए, क्लियर है? अब जल्दी से बता दो, लास्ट चीज बता दो मुझे, जल्दी से बताओ ये कहां जाएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम, और ये कहां जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या ये कर लोगे? क्या ये कर लोगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या क्या आइटम ऐड होते हैं जल्दी जल्दी बताओ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एकदम फिंगर टिप्स पे चाहिए मुझे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या क्या आता है? पहली बात तो याद रखना कि क्लोजिंग में से क्या माइनस करना है ओपनिंग। अब मुझे बताओ इसमें ऐड क्या करोगे, जल्दी बताओ ऐड क्या करोगे। नंबर वन प्रोविजन फॉर टैक्स, अभी अभी पढ़े हो बोलो हां। और क्या ऐड होगा? इंट्रिम डिविडेंड, बोलो हां। याद आ रहा है? इसके अलावा क्या होगा? रिजर्व्स। ये तीन आइटम ऐसे हैं जो कभी गलत नहीं हो सकते। इसके बाद आएगा प्रपोज्ड डिविडेंड, वो भी कौन वाला? प्रीवियस ईयर वाला, करंट ईयर वाला कभी भी
नहीं आएगा। ये चार आइटम तुम्हें एकदम याद होने चाहिए, ईमानदारी से रटा होना चाहिए। प्रोविजन फॉर टैक्स जाएगा, इंटरिम डिविडेंड जाएगा, रिजर्व जाएगा, प्रपोज डिविडेंड जाएगा। इसके अलावा हो सकता है तुम्हें वर्ड क्या मिल जाए, डिविडेंड पेड। अगर डिविडेंड पेड दिख गया तो ये फाइनेंसिंग में भी, रिकॉर्ड कर रहा हूं बोल रहा हूं सुनो, ये फाइनेंसिंग में भी लेस होगा और यहां पे भी जाएगा, ये फाइनेंसिंग में भी लेस होगा और यहां पे भी जाएगा। क्लियर और नॉट? और एक और खास बात, कभी कभी क्वेश्चन में, कभी कभी क्वेश्चन में, खास बात, बहुत खास बात, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं दिया रहेगा। तो अगर क्वेश्चन में टैक्स पेड दे दे, केवल टैक्स पेड दे दे, तो वो भी दो जगह जाएगा, यहां भी जाएगा और कैश जनरेटेड से भी माइनस होगा। सेम विद प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर केवल प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, कान खोल के सुन लो, अगर जैन साहब सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, आई रिपीट, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग कोई वैल्यू नहीं दी है, कोई वैल्यू नहीं दी है, तो दो जगह जाएगी। टैक्स पेड सिर्फ दिया हुआ है, एडिशन इंफॉर्मेशन में कोई ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू नहीं दी हुई है, तो दो जगह जाएगी। कौन सी वो दो जगह है? यहां भी और वहां भी। फाइनेंसिंग नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, टैक्स पेड हो या प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर ओपनिंग क्लोजिंग साथ में नहीं दिया, ध्यान से सुनो, अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है तो दोनों जगह जाएगा। बोलोगे? नहीं आया? कर लोगे या नहीं कर लोगे? भूलोगे तो नहीं? इतना याद रहेगा? क्या बताया बताओ, क्या बताया बताओ, जो बताया बताओ फिर से मुझे। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स का कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है तो वही आइटम यहां भी जाएगा, कैश जनरेटर में भी जाएगा। टैक्स पेड कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है, कोई अकाउंट नहीं बन रहा है, तो वो भी दो जगह जाएगा, ऑपरेटिंग में भी जाएगा, मतलब यहां भी जाएगा और कैश जनरेटर में जाएगा। क्लियर और नॉट? पक्का? चले कहां, चले कहां, बैठे रहो। सुन लो, सुन लो, लिख लो, पढ़ लो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या क्या जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या जाएगा? नंबर वन, कैश जाएगा। नंबर टू, बैंक जाएगा। नंबर थ्री, बोलो, बस यही सुनना बचा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जाएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटी जाएगा। ये चार आइटम, कैश जाएगा, बैंक जाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी जाएगा। क्लियर? कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, बड़ा बड़ा लिखूंगा, एकदम बड़ा बड़ा लिखूंगा। बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। समझ आया? और लिखो, और लिखो, और लिखो, इससे लिखेंगे और बड़ा करके लिखो, और बड़ा बड़ा लिखो,
करेंट इन्वेस्टमेंट, अगर ये वर्ड पढ़ लिया तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में करंट असेट माना जाएगा। लिख लो बड़ा बड़ा, करंट असेट माना जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चार आइटम आएंगे, कैश आएगा, बैंक आएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट होगा तो फाइनेंसिंग, और अगर करंट इन्वेस्टमेंट वर्ड पढ़ लिया तो वो करंट असेट है। तो वो ये बहुत कंफ्यूज करेगा, इसे याद रखना। कल कॉपी पेंसिल दिमाग तीन चीज लेके आना, क्योंकि कल हम लोग करेंगे फुल क्वेश्चन, एक साथ करना सिखाऊंगा। याद रखना मेरी बात, वीडियो मिस मत करना। चलो बाय।